हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टार वुड वर्क। आज मैं आप लोगों को सोफ़ा किस तरीके से बनाते हैं उसका वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उस सोफ़े का कितना साइज़ रखना पड़ता है और उसको किस तरीके से बनाते हैं। आप वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो आगे भी देखने को मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इस तरीके का एक फ्रेम बनाना रहता है जिसकी हाइट यहाँ पे 8 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 28 इंच रखी है और लंबाई आप जितने हिसाब से बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं ये 8x10 का एल टेप में सोफ़ा बना रहा हूँ जिसमें यहाँ पे अभी नीचे में स्टील के पैर फिटिंग करेंगे। ये पैर यहाँ पे हमको इस तरीके से फिटिंग करना है। तो सबसे पहले इसका जो बोल्ट रहता है उसके लिए हमको यहाँ पे एक होल करना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से होल करना पड़ता है। ये 12mm साइज़ का होल रहता है, आधा इंच का, और यहाँ पे मशीन का प्लग निकल गया है तो चारों होल यहाँ पे हो गए हैं। अभी यहाँ पे इसको फिटिंग करना पड़ता है। इसमें 4 स्क्रू लगते हैं जो कि आपको 8x19 का स्क्रू यहाँ पे फिटिंग करना रहता है। सबसे पहले आपको कार्नल वाला ही जो सोफे का रहता है कार्नल हिस्सा उसको ही रेडी करना है, उसके बाद ही आगे का काम एकदम सही तरीके से होगा। ये देखिए हमने चारों इसके पैर फिटिंग कर दिए हैं। अभी इसकी हाइट जो है वो 12 इंच हो गई है टोटल नीचे से। इसको अभी रख देंगे और यहाँ पे इसका जो 12mm है पीछे साइड वाला उसको यहाँ पे ठोक देंगे। इसको जो पीछे में ठोकना है वो 14 नंबर कीले रहते हैं जो कि 1.5 इंच उसका साइज़ रहता है, उस हिसाब से यहाँ पे इसको कीले मार देंगे। और नीचे में जो टेल्स का स्कटिंग पट्टी रहता है उसके लिए हमने इसको 4 इंच ऊपर लगा के ठोका है क्योंकि ये जब पीछे में बैठेगा तो दीवार का जो गैप है वो गैप नहीं पड़े इसके लिए। अभी एक साइड का इसका 12mm कंप्लीट हो गया है और एक साइड का उसको मारेंगे। तो सबसे पहले आप फेविकोल लगा लें ताकि ये अच्छे से मजबूत बना रहे, इसलिए बिना फेविकोल के काम नहीं करना चाहिए। फेविकोल लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी और काफ़ी समय तक ये टिका रहेगा, इसके लिए फेविकोल लगा के काम करना ज़रूरी है। आप चाहे कौन से भी कंपनी का फेविकोल लगा सकते हैं। तो इस वाले कार्नल हिस्से को पहले कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आगे का काम एकदम सही तरीके से होगा। अभी ये वाला जो है इसके पैर भी फिटिंग कर दिए हैं, इसका जो पीछे का 12mm है उसको ठोक देंगे। ये कार्नल वाला यहाँ पे हिस्सा बैठ गया है। कैमरे को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अभी इसका 12mm फिटिंग कर देंगे पूरा। जो भी हो आप अपने हिसाब से इसकी हाइट रख सकते हैं जो कि इसका बैक का साइज़ रहता है। मैंने इसको रखा है 34 इंच क्योंकि यहाँ पे 34 इंच हाइट पर विंडो आया हुआ है तो उस विंडो के हिसाब से यहाँ पे इसकी साइज़ रखा है। अगर किसी के पास 36 इंच भी रहेगा तो उस हिसाब से भी रखेंगे तो कंफर्टेबल साइज़ रहेगा इसमें। अगर विंडो के साइज़ चले गया तो जो आपका लिविंग रूम का जो लुक है वो वहाँ पे थोड़ा बिगड़ सकता है, इसके लिए विंडो के हाइट के हिसाब से ही सोफ़ा बनाना रहता है। जो रेडीमेड सोफ़ा आते हैं उसका हाइट जो फिक्स नहीं रहता है, वो आपके पास कम भी हो जाएगा ज़्यादा भी हो जाएगा। जब आप बनाते हैं अपने साइट पर तो इस हिसाब से सोच कर बनाएं। अभी ये वाला जो 8 फीट वाला फ्रेम है इसका 12mm मार देंगे अभी यहाँ पे। फिर इसके बाद सभी काम इसका कंप्लीट होगा ऊपर में 19mm का प्ले मारने का।
देखिए ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अभी इसको यहाँ पे सीधा कर देंगे और इस सोफ़ा बनाने में कौन सा प्लाई कितने शीट लगा है उसका भी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैं कमेंट में वहाँ पे बता दूँगा। और ये कितने रुपीज़ स्क्वायर फीट का प्लाई है और इसको बनाने में कितना खर्चा आता है और चार्ज क्या पड़ेगा उसका भी सभी डिटेल दे दूँगा मैं नीचे कमेंट में। ये देखिए इसको सीधा करने के बाद जो सामने में गैप है वो नहीं आना चाहिए। इस हिसाब से पहले इसको एक बार रख के चेक कर लें, फिर इसके बाद ऊपर में 19 mm का प्लाई मारें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सोफ़े में बेल्ट का यूज़ करते हैं मगर वो ज़्यादा समय तक उसका सर्विस नहीं रहता है। इसके लिए हमने ऊपर में 19 mm का प्लाई लगाया है। यहाँ पे थोड़ा अभी लाइट चले गया है इसके लिए ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे हैंडल जो है वो हम कर रहे हैं और उसको सामने में राउंड करना है। ये देखिए यहाँ पे लाइट आ गया है अभी। ये इस प्रकार का सोफ़ा बन के रेडी हो गया है यहाँ पे। और इसका जो हैंडल है उसका मैं वीडियो नहीं बना सका मगर आपको इसका फाइनल वीडियो में देखने को मिलेगा वीडियो के एंड में। नीचे में जो पैर हमने 4 इंच का लगाया है उसमें आप 3 इंच का भी लगा सकते हैं और 2 इंच का भी लगा सकते हैं, मतलब आपको साफ़ सफाई करने के लिए जितना आपको सही लगा उस हिसाब से रख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे 4 इंच का फिटिंग किया है। सोफ़े की टोटल लंबाई 8x10 की है और ये विंडो के हाइट में 34 इंच रखी है। और यहाँ पे जो सामने में वॉल है वहाँ पे टीवी कैबिनेट बनेगा। ये देखिए इसका कुशन का काम हो गया है पूरा। और जो हैंडल है वो सामने से राउंड कर दिया उसको, ये देखिए। और इसकी जो डीप है हैंडल की वो 7 इंच है और उसकी जो हाइट है वो 20 इंच है और नीचे से 24 इंच टोटल हाइट हो जाएगी उसकी। और ये जो कुशन देख रहे हैं ये कुशन सभी लूज़ में है, जब भी ये ख़राब होगा आप उसको निकाल के वॉश कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट।